नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका आप एक खास चैनल Next9Life में। मैं हूँ आपकी होस्ट शिवानी और लेकर आई हूँ आपके लिए इन दिनों सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाला नया टेलीविजन शो तंत्र में नियति के पापा का रोल निभाने वाले हमारे टीवी एक्टर मनीष गोयल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम में बात होगी कि किस तरह से नियति के पापा यानी कि मनीष गोयल बनकर आप सभी को एंटरटेन करते आने वाले हैं नजर, और कैसा होगा उनका इस सीरियल के पीछे इस रोल का मोटिव, ये सब हम आपको सुनवाएंगे सीधा उन्हीं से। साथ ही आपको बताएंगे मनीष गोयल की पसंद नापसंद और उनके स्ट्रगल के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास प्रोग्राम और आपको दिखाते हैं तंत्र फेम मनीष गोयल के जिंदगी से जुड़े ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टीवी टाउन में इन दिनों कई सारे इंटरेस्टिंग सीरियल्स अपनी जगह बनाए हुए हैं। जहां पर कुछ सीरियल्स ऑफ एयर हुए तो वहीं कुछ नए सीरियल्स अपनी मज़ेदार कहानी और स्टार कास्ट के साथ आप सभी के सामने आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। और इसी नए सीरियल के लिस्ट में एक ख़ास नाम जुड़ा है जो है टीवी सीरियल तंत्र का, जिसमें आपको कुछ सुपर नेचुरल बेस्ड इंटरेस्टिंग सी स्टोरी देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर बात की जाए इस सीरियल में नियति जो कि मेन लीड आपको कैरेक्टर नज़र आ ही रहा होगा, उसमें उनके फादर का रोल निभाने वाले एक्टर मनीष गोयल की जिंदगी के बारे में, तो आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिनसे शायद आप अब तक अनजान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल तंत्र में नियति के पापा का रोल प्ले करने वाले एक्टर मनीष गोयल प्रोफेशनली एक एक्टर के तौर पर ही शुरू से जाने जाते रहे हैं। अगर बात की जाए मनीष गोयल के अब तक के सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोल की, तो टीवी सीरियल भाभी में जो कि आपने साल 2000 से 2006 तक अपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, तो इसमें तिलक चोपड़ा नाम के कैरेक्टर से आप सभी को अपना दीवाना बना दिया था हमारे मनीष गोयल ने। वहीं अगर बात की जाए मनीष के फिजिकल अपीयरेंस की, तो ब्राउन कलर की आंखें और ब्लैक कलर के बालों के साथ इनकी पर्सनालिटी टीवी एक्टर्स के लिस्ट में उन कुछ चुनिंदा लोगों में शुमार होती है जो कि अपने गुड लुक से हर किसी को अपनी एक्टिंग टैलेंट दिखाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ डिटेल्स की, तो 27 अगस्त 1975 को जन्मे हमारे मनीष न्यू दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। वहीं पर उनके जोडिक साइन वर्गो बताया जाता है, तो वहीं उनका होम टाउन भी न्यू दिल्ली में ही शामिल है। अगर बात की जाए हमारे मिस्टर गोयल के स्कूलिंग की, तो न्यू दिल्ली के फ्रेंट एंगनल स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। और अगर बात की जाए उनके टेलीविज़न डेब्यू की, तो टीवी सीरियल CID जो कि ईयर 1998 में टेलीकास्ट हुआ था, उसके ज़रिए इन्होंने टीवी स्क्रीन पर अपने करियर की शुरुआत की थी। तो वहीं अब बात करते हैं मनीष गोयल के फिल्मी करियर स्टार्टअप की, तो हम फिर मिले ना मिले साल 2009 में टेलीकास्ट हुए टीवी सीरियल में इन्होंने अपने टीवी स्क्रीन और फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जहाँ इनकी माता का नाम कुसुम गोयल बताया जाता है, तो इनकी एक बहन भी हैं जिनका नाम मेघना शर्मा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा अपनी पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग दिखने वाले हमारे मनीष गोयल असल ज़िंदगी में काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी रखते हैं। जहां उनकी हॉबी डांस करना है, तो वहीं उनकी फेवरेट एक्टर्स के लिस्ट में रणबीर कपूर का नाम सबसे टॉप पर आता है। जी हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एक्टर रणबीर कपूर को वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं और उन्हें बॉलीवुड में ये सबसे ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी लगते हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इनके कुछ लव रिलेशनशिप के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 अक्टूबर साल 2002 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पूरम नरूला जो कि एक टीवी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं, उनसे शादी करके अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। उसके बाद इनका एक बेटा और एक बेटी भी है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और हार्डवर्किंग बताए जाते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए इनके लव रिलेशन की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें
साल 2005 में इन्होंने अपनी वाइफ पूनम नरूला के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी परफॉर्म किया था और ये उस शो के उस सीजन के सेकंड रनर अप भी रहे थे। इसके बाद उन्होंने कई सारे और भी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि चलती का नाम अंताक्षरी, से शावा शावा, उस्तादों का उस्ताद, जरा नच के दिखा। इन सभी सीरियल्स में इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर एक अच्छे रियलिटी शो पार्टिसिपेटर का भी ताज अपने नाम किया। तो वहीं अगर बात की जाए इनके पर्सनालिटी की तो ये एक अच्छे खासे होस्ट भी रह चुके हैं। जी हाँ, साल 2012 में रियलिटी शो बिग मेम साहब में बिग मैजिक पर जो कि टेलीकास्ट हुआ करता था, इसमें इन्होंने एंकर की भूमिका निभाकर ये प्रूव कर दिया कि ये एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड एंकर भी हैं। तो वहीं अगर बात की जाए इनको मिले अवार्ड की तो अब तक इन्हें वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की साल 2003 के एक रियलिटी शो में अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और ये उस सीरियल के विनर भी रह चुके हैं। अगर बात की जाए मनीष गोयल की पर्सनल लाइफ और इनकी लव स्टोरी की तो बेहद इंटरेस्टिंग है इनकी लव लाइफ भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष गोयल अपनी वाइफ से कसौटी जिंदगी के में सबसे पहले मिले थे, जहां पर वो एक ही सीरियल के लिए एक साथ शूट कर रहे थे। कुछ खबरों की माने तो वो मोमेंट ऐसा था जब ये उनसे मिले थे कि पूनम जी कहकर इन्हें बुलाया करते थे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ अपने दिए इंटरव्यू में मनीष गोयल ने अपनी और अपनी वाइफ की पुरानी यादें ताज़ा करते हुए अपना किस्सा शेयर किया कि जब उनकी माँ उनके सेट पर आया करती थी कसौटी जिंदगी की, तो उन्होंने जैसे ही मुझे और पूनम को बात करते देखा तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या आप इनकी वाइफ हैं, यानी कि आप मेरी बहू हो। हालांकि पहले तो मनीष को उनकी माँ के सवाल से थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील हुई, लेकिन बाद में जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्होंने जाकर पूनम को अपोलोजाइज भी किया। लेकिन आफ्टर ऑल जोड़ियाँ तो ऊपर वाले ही लिखते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ इन दोनों के साथ भी। और कम ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद प्रपोज करने के बाद पूनम ने मनीष को हाँ कर दिया और आज ये एक हैप्पी मैरिड कपल के तौर पर जाने जाते हैं। इसी के साथ चलिए आपको सीधा मनीष से ही सुनवाते हैं कि कैसा होने वाला है उनका पूरा रोल और उनके सीरियल की कहानी उनके नए सीरियल तंत्र में, सीधा उन्हीं से। देखिए, बहुत ही यूनिक शो है, गुड मेल मिलाव है एक सोशल ड्रामा और एक अंडरकरंट ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल पावर का। लोग कहते हैं हॉरर शो है, लेकिन ये हॉरर शो नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये बहुत अच्छा एक सिनर्जी है और बहुत टाइम बाद आपको एक कुछ नया देखने को मिलेगा और मैं भी एक बड़े नए अवतार में मिलूँगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा रिवील ना करूँ, आप खुद ही देखें उसको। तंत्र में कितना बिलीव करते हैं? देखिए, तंत्र होता है ये जानता हूँ, अवेयर हूँ, किसी के ऊपर करता नहीं हूँ ये क्लियर है। कोई मुझ पे करता है तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, कभी कुछ हुआ है ऐसी बात? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ दिल्ली में बहुत होता है। मैं दिल्ली से हूँ और हम सुनते रहते थे बचपन में कि यू नो तंत्र से ज़्यादा ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशंस वगैरह हम चीज़ें बहुत सुनते हैं। और मैं यही कहूँगा, मेरा यही मानना है, मेरी मॉम भी यही कहती थी, उनसे ही सीखा है, कहती है कि हर तंत्र के सामने एक मंत्र है और उसका तोड़ वही है। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी खन्ना जो है वो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करता है कि आदमी अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ। बहुत ठहराव है उसकी ज़िंदगी में, हर किरदार के साथ एक नया इमोशन है। तो जितने भी नवरस होते हैं एक एक्टर के लिए, वो सब इसमें है। इस शो को चूज करने की कुछ खास वजह? रोल सबसे पहले, कलर्स के साथ पहला शो, स्वास्थ्य के साथ पहला शो, सो ऑल द रीजंस। नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, एक्चुअली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये शो चलेगा। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। तो देखा आपने कि हर एक नए सीरियल में जितनी भी स्टार कास्ट आती हैं वो आप सभी को एंटरटेन करने के लिए काफी कुछ अपने दिमाग में अपने दिल में रख कर आती हैं, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती आती है नजर कि आप उनको बाकी के सीरियल्स की तरह भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। अब देखने के बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर तंत्र सीरियल, जिसने एक अच्छे खासे सीरियल को रिप्लेस करके अपनी नई जगह बनाई है, वो कितनी दूर तक जा पाता है और अपने फैंस के दिलों में कितनी खास जगह बना पाता है। लेकिन अगर आपको आज के वीडियो हमारा पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक शेयर हमारे चैनल नेक्स्ट9लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।